दोस्तों वैसे तो भारतीय फुटबॉल के लिए अब होगा असल परीक्षा शुरू। जी हां दोस्तों, एशियन गेम और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इन टीमों से होगा मुकाबला। जी हां दोस्तों, वैसे तो लोग भारत में सबसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब फुटबॉल को भी लोग पसंद करने लगे और काफी ज्यादा लाइक करते हैं। तो दोस्तों फुटबॉल के लिए तो एक लाइक बनता है, और खास सुनील छेत्री के लिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत एशियन गेम में किससे भिड़ने वाला है। आपको बता दें, चीन के हंगझूर में इस साल सितंबर अक्टूबर के महीने में एशियन गेम खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में भारत के कई बड़े बड़े एथलीट हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस दौरान भारत बहुत सारे गेम का हिस्सा लेने जा रहा है, जहां फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जैसे खेल मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बात करें फुटबॉल के बारे में, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नियमों में ढील करते हुए पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों को एशियन गेम में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है, जिसके साथ टीम इंडिया ने आखिरी मिनट में फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रवेश किया। इस फैसले के साथ ही एशियन गेम के लिए फुटबॉल के ग्रुप जारी कर दिए गए हैं। चलिए जानते हैं आखिर कौन से ग्रुप में भारत के लोग हैं। आपको बता दें, भारत की पुरुष फुटबॉल टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ रखा गया है। आपको बता दें, 2023 एशियाई खेलों में फुटबॉल के आयोजन में कुल 23 टीमें भाग लेने के लिए तैयार है, जिनमें से एक को छोड़कर सभी को चार चार के 6 समूहों में रखा गया है। केवल ग्रुप डी में ही 3 टीमें हैं, जिसमें जापान, फिलिस्तीन और कतर है। एशियाई खेल 23 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन फुटबॉल प्रतियोगिता 19 सितंबर से शुरू होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियोस पे।